इस क्षेत्र में आत्माओं के पिता परमात्मा का परिचय स्पष्ट किया है। भगवानु वाच्य है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्वयं का परिचय मैं स्वयं देता हूँ। जैसे शरीर की रचना के लिए हमारे लौकिक पिता हैं, वैसे शरीर को चलाने वाली चेतना का पिता एक पारलौकिक चेतना निराकार परम पिता परमात्मा है। यह कोई धर्म, जाति, भाषा में सीमित नहीं है। जन्म मरण रहित ज्योति बिंदु परमात्मा हम बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान कर अच्छे कर्म करने की शक्ति भरते हैं और हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं। परमात्मा सर्व का पिता कैसे है, अगले चित्र में देखते हैं। निराकार परमात्मा का स्मृति चिन्ह ज्योतिर्लिंग के रूप में भारत के कोने कोने में पूजा जाता है। रावण पर युद्ध करने से पूर्व श्री राम ने परमात्मा से शक्ति प्राप्त की। अमर आत्मा का ज्ञान सुनाने वाले परमात्मा को पूजने भक्त बर्फीले स्थान अमरनाथ पर जाते हैं। विश्व रचयिता परमात्मा का यादगार विश्वनाथ में है। सोमनाथ भारत का सबसे पहला व पुराना मंदिर। राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की यहाँ स्थापना की। पशुपति नाथ नेपाल में शिवलिंग की पूजा करते हैं और जापान में शिवलिंग के आकार का चीन कौन सेकी, जिसे 3 फीट के स्टैंड पर रख कर ध्यान करते हैं। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह एक नूर है, तो नूर अर्थात प्रकाश। हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं गॉड इज लाइट, तो लाइट अर्थात प्रकाश। गुरु नानक जी कहते हैं एक ओमकार सतनाम, अर्थात एक आत्मा जो सदैव सत्य स्वरूप में स्थित है, जन्म मरण से रहित है। हमारे सभी धर्म स्थापकों ने उंगली ऊपर दिखाई। भगवान एक है, भगवान ऊपर रहता है। निराकार परमात्मा कैसे सुख शांति का वर्षा देते हैं, अगले चित्र में दिखाते हैं। परमात्मा का स्मृति चिन्ह शिवलिंग पर 3 लकीरें की जाती हैं। यह परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य का प्रतीक है। निराकार परमात्मा मनुष्य सृष्टि के साकार तन ब्रह्मा के द्वारा सद्गुणों की स्थापना करते हैं, जिससे यह संसार नवयुग सतयुग बन सकता है। परमात्मा हम बच्चों को विष्णु अर्थात देवी देवता बनने का लक्ष्य देते हैं। अच्छे संस्कारों की पालना से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए भगवान ज्ञान योग सिखाते हैं। मन वचन कर्म की पवित्रता के अलंकारों से सजाते हैं। शंकर की तरह तपस्वी अर्थात अच्छे विचारों की दृढ़ता से हमें अंदर छुपे बुराइयों को खत्म करने की शक्ति सर्वशक्तिवान परमात्मा से प्राप्त होती है। इन्हीं 3 कर्तव्यों के कारण परमात्मा को गॉड कहते हैं, अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। निराकार परमात्मा और शंकर में क्या अंतर है, आगे देखेंगे। इस चित्र में दर्शाया गया है शंकर आकारी देवता हैं एवं परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह ज्योतिर्लिंग है। शंकर किनका ध्यान करते हैं? जी हाँ, निराकार परमात्मा का। इसलिए हम कहते हैं शिवरात्रि शंकर रात्रि नहीं, शिव पुराण शंकर पुराण नहीं। शिव अर्थात संस्कृत में अर्थ है कल्याणकारी, शंकर अर्थात विनाशकारी। दोनों के कर्तव्य विपरीत हो गए। शिवरात्रि अर्थात अंधकार वाली रात्रि नहीं, परंतु मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में जब विकर्म करता है तब दुखी अशांत होता है। कल्याणकारी शिव परमात्मा ऐसे समय में आकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तब मनुष्य विकारों से मुक्त हो जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करता है। परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, आगे के चित्र में देखेंगे। जब भी हम भगवान शब्द कहते हैं तो नजर ऊपर की ओर जाती है। ऊपर अर्थात एक लाल प्रकाशमय स्थान, जिसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा एवं हम आत्माओं का निवास स्थान यह है। यहाँ से धीरे धीरे आत्माएं नीचे पृथ्वी रंग मंच पर पाठ बजाने आती हैं। बीच में है सूक्ष्म लोक, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर निवास करते हैं। समय प्रति समय आत्माएं जन्म लेती हैं।
एक बार पृथ्वी रंगमंच पर पाठ बजाने के बाद कर्मों के चक्र में फंसी आत्मा बीच से वापस छूट जा नहीं सकती। मूल वतन शांति धाम होने से आत्मा को शांति अति प्रिय है। कितना समय हमें पृथ्वी के एक चक्र में पाठ बजाना है, आइए आगे के चित्र में देखते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है मनुष्य की असली वास्तविक पहचान क्या है। यह शरीर एक हड्डी मांस का पुतला है, इस पर चमड़ी लगी है, यह जड़ है, यह है एक चैतन्य सत्ता आत्मा, यह सूक्ष्म सितारा है। आत्मा और शरीर के मिलने से जीव आत्मा बनता है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर है, वैसे शरीर में आत्मा है। आत्मा मन से विचार करती है, बुद्धि से निर्णय करती है, संस्कार वश कर्म करती है। आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है, आंखों रूपी खिड़की से देखती है, मुख रूपी माइक से बोलती है और कान रूपी ईयरफोन से सुनती है। आत्मा शरीर रूपी ड्रेस पहनकर पाठ बजाती है। जब जब आत्मा शरीर रूपी ड्रेस बदलती है, तब तब उसका एड्रेस भी बदल जाता है। इस प्रकार पृथ्वी रूपी स्टेज पर हम कितनी बार पाठ बदलते हैं, आगे के चित्र में देखेंगे। इस चित्र में यह रहस्य है कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, जिसमें चार युग हूबहू रिपीट होते हैं। सबसे पहले है सतयुग यानी कि गोल्डन एज। इसमें संपूर्ण सुख शांति, दुख का नाम निशान नहीं है। इसके बाद है त्रेता, जिसमें सुख थोड़ा सा कम हो जाता है, इसे सिल्वर एज कहते हैं। 2500 वर्ष तक हम बहुत स्वस्थ खुशी से भरा जीवन जीते हैं। इसके बाद जब आत्मा देह भान के वश हो विकारों में फंस जाती है, तो द्वापर युग ताम्र युग आता है। यहाँ से हम पूजा पाठ कर भगवान को पुकारना शुरू करते हैं और अनेक शास्त्रों का निर्माण होता है। इसके बाद आता है कलयुग यानी कि आयन एज। मनुष्य आत्मा बुद्धिहीन हो कर्म भ्रष्ट हो जाती हैं और अति दुख अशांत रोगी भोगी बन जाती हैं। परंतु यह चक्र है, चक्र का काम है घूमना। अब फिर सतयुग आ रहा है, लेकिन वहां जाने के लिए परमात्मा गीता में दिए हुए वायदे अनुसार आज पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में ज्ञान योग से तैयार कर रहे हैं। परमात्मा से पूर्व अनेक धर्म स्थापक पृथ्वी पर अवतरित हुए, उनका कार्य कैसे चलता है आगे के चित्र में देखेंगे। इस चित्र में कल्प वृक्ष दिखाया गया है, जो गीता में ऊर्ध्वमूल दिखाया गया है। सर्वप्रथम सतयुग में श्री कृष्ण और श्री राधा लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं। इस राज्य में एक देवी देवता धर्म है, एक भाषा है, एक मत है, एक का ही राज्य है। जब झाड़ वृद्धि को पाता है, अनेक पत्ते निकलते हैं, अर्थात जनसंख्या बढ़ जाती है। त्रेता युग में श्री राम श्री सीता का राज्य है एवं संपूर्ण एकता है। अब द्वापर में मनुष्य आत्मा जब भगवान को पुकारती है, तो अनेक धर्म स्थापक अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। कलयुग में धर्म स्थापकों के बाद अनेक साधु संत आदि के द्वारा मठ आश्रम आदि की स्थापना होती है। आज बहुत धर्म का विस्तार हो गया है। अब भगवान फिर से ब्रह्मा तन से एक धर्म स्थापन करने आए हैं। इसलिए भगवानुवाच्य है, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम याद करो। निकट भविष्य में धर्म युद्ध, मिसाइल युद्ध एवं प्राकृतिक प्रकोप से अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। इसके पश्चात हम फिर वैकुंठ में जाएंगे। हर युग में कितने जन्म लेंगे, आगे के चित्र में देखेंगे। इस चित्र में मनुष्य आत्मा के साथ भारत के उत्थान और पतन की कहानी दर्शाई गई है। सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं एवं 16 कला संपूर्ण होते हैं। यहाँ जनसंख्या है 9 लाख। त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं और 14 कला संपूर्ण होते हैं। द्वापर युग में हम में 8 कला रह जाती है और हम 21 जन्म लेते हैं। अब हम पूज्य से पुजारी बन गए, यहाँ से हम मूर्ति पूजा शुरू करते हैं। कलयुग में आत्मा में कोई कला अर्थात दिव्य गुण नहीं रहे,
यहाँ हम 42 जन्म लेते हैं। चरित्रहीन हो मनुष्य विकर्म की खाई में गिर जाता है, अनेक प्रकृति के तत्वों की भी पूजा करना शुरू करते हैं, परंतु हमें सुख शांति प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार 83 जन्म हम 5000 वर्ष में लेते हैं। अब हम पिता परमात्मा के पास अलौकिक 84वां जन्म लेते हैं, दिव्य गुणों को फिर से जीवन में लाने का अभ्यास करते हैं। अंत में हम अमर आत्माएं घर जाएंगी, फिर आएंगे सतयुग में। गीता में वर्णित राजयोग क्या है, अगले चित्र में दिखाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है सर्व शक्तिवान परमात्मा की याद, ध्यान और योग या मन के मिलन से हम आत्माओं में शक्ति का संचार होता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, वैसे हम बच्चे आत्माएं पिता परमात्मा को याद करते हैं। ईश्वर से प्राप्त शक्तियों से हम सर्व प्रकार की बुराइयों से, व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में खुशी और उमंग उत्साह आ जाता है। हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने की आंतरिक शक्ति अनुभव होती है। इसलिए गीता में कहा है कि राजयोग से कर्म कौशल्य, अच्छे कर्म करने की शक्ति हमें आने लगती है। हम 1 से 2 और 2 से 4 सभी मिलकर एक दिन इस भारत भूमि को फिर से स्वर्णिम अर्थात सोने की चिड़िया बनाएंगे। इस प्रदर्शन कुछ क्षणों के लिए बाह्य सभी आवाजों से अपने आप को किनारा करते हुए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान एकाग्र कीजिए। शरीर के एक एक अंग से हल्के होते हुए, जैसे कि वो है लेकिन है भी नहीं, बिल्कुल लाइट करते जाइए। धीरे धीरे पांव से शुरू करते करते धीरे धीरे ऊपर चेहरे तक आ जाइए। एक एक अंग को रिलैक्स करते हुए चेहरे से भी ऊपर ब्रिकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, इन द मिडल ऑफ द आईब्रोज, अपने आप को देखिए अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के वाइब्रेशंस किरणों के रूप में मुझसे निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। देखें उन वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैलते हुए। अब मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए इस कर्म क्षेत्र से छुट्टी लेकर थोड़ी देर के लिए अपने घर चलती हूँ, अपने पिता के पास। देखें अपने आप को इस शरीर से न्यारे होते हुए, देखें उस ज्योति को निकलते हुए और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए, क्योंकि ये यात्रा मैं आत्मा करती हूँ। देखें उसको ऊपर उड़ते हुए, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए। देखते जाइए, मैं आत्मा धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंच रही हूँ। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, गोल्डन रेड लाइट, एब्सोल्यूट साइलेंस। ऐसा साइलेंस तो मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया था। कोई संकल्प नहीं, सिर्फ शांति। मैं आत्मा अपने घर परमधाम में पहुंच गई हूँ। वहाँ मेरे सामने एक और ज्योति बिंदु, बहुत सुंदर सा, जिसकी किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं उसकी तरफ जाती हूँ। शिव बाबा, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहे थे, कितनी मेहनत करते आए, मेरा पिता, आज उसने मुझे अपना परिचय दे दिया। मैं आत्मा अपने पिता के सामने आकर बैठ गई हूँ। जो भी मन में बात हो बाबा के सामने कह दो, को
कोई बोझ जो बहुत समय से आपके ऊपर हो, जो हमें हमेशा कष्ट देता है, उसे सुनाकर हल्का कर दो। कोई गलती हो गई हो, कोई भी बात हो, तो वो उससे कर लो। वो शांति का सागर है, शांति की किरणें उससे निकलकर मुझ आत्मा को छू रही है। मुझ आत्मा के सारे घाव मिटते जा रहे हैं। अपने अंदर ये शक्तियों को भरते हुए धीरे धीरे फिर से उसी यात्रा पर मैं वापस आती हूँ। चांद सितारों को पार करते हुए वापस इस सृष्टि पर, इस शरीर में आकर ब्रिकुटी के बीच अपने स्थान पर बैठ जाती हूँ। इस प्रदर्शनी में दिखाए गए चित्रों पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रदान की गई निशुल्क सेवाओं का लाभ लें। ओम शांति।